होने वाली है नई दया बेन की एंट्री, क्योंकि गोकुलधाम सोसाइटी में दिवाली तो हो चुकी है। क्या अब दिवाली के बाद होगी नई दया बेन की एंट्री? दोस्तों, जैसा कि हमें पता है कि गोकुलधाम सोसाइटी में दिवाली का उत्सव तो बन चुका है, और इस बार तो भैया दया बेन को कोई ने याद भी नहीं किया। तो क्या हमें अब दिवाली के बाद यानी कि अब गोकुलधाम सोसाइटी में नई दया बेन की एंट्री देखने को मिलेगी? तो दोस्तों, जैसा कि हमने लेटेस्ट प्रोमो में हमने देखा एक नई स्टोरी, वैसे इसको स्टोरी भी नहीं बोलेंगे क्योंकि एक छोटा सा सीन जेठालाल के ऊपर है, ये स्टोरी तो नहीं होने वाली है जो कि अभी तारक मेहता में चल रही है। तो दोस्तों, अभी के हिसाब से तो गोकुलधाम सोसाइटी में दया बेन की एंट्री नहीं होने वाली, क्योंकि अगर एंट्री होनी होती तो भैया दिवाली पर ही होती। अब तो दिवाली पर भी याद नहीं किया, मतलब भैया अब तो जेठालाल भी पूरी तरह से दया बेन को भूल चुका है। तो शायद ही लगता है कि हमें गोकुलधाम सोसाइटी में दया बेन को फिर से देखने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों, आने वाली स्टोरी क्या रहने वाली है वो देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। तो दोस्तों, आप दया बेन को मिस करते हो या फिर नहीं, और क्या हमें दया बेन की एंट्री देखने को मिलनी चाहिए या फिर नहीं, अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और तारक मेहता का उल्टा चश्मा की ऐसे ही अपडेटेड वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।